हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को KFC स्टाइल रेसिपी बताऊंगी, चिकन रेसिपी। सबसे पहले एक अंडा लेंगे, उसको तोड़ के मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे उसको। मिक्स करने के बाद हम एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, उसके बाद एक चम्मच रेड चिली पाउडर डालेंगे, उसके बाद एक चम्मच हम मस्टर्ड पाउडर डालेंगे। मस्टर्ड पाउडर डालने के बाद हम एक चम्मच सोया सॉस का डालेंगे, सोया सॉस का डालने के बाद हम एक चम्मच ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, उसके बाद हम 2 टेबल स्पून मैदा ऐड करेंगे, एक टेबल स्पून हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, ये सब ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं या आपके घर में बीटर मौजूद है तो हम बीटर से भी बीट कर सकते हैं, अच्छी तरह बीट हो जाए। हमने आधा किलो चिकन ले ली, हम अच्छी तरह चिकन धो के अपने मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे सारी चिकन, और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि सारी जो हमने मिक्सचर बनाया है वो चिकन में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। हम नमक डालना भूल गए थे तो हमने एंड में नमक डाल दिया। आप लोग पहले भी नमक डाल सकते हैं अपने मुताबिक के, कितना खाते हैं आप लोग नमक वो आप लोग पर डिपेंड है। उसके बाद हमने मैरिनेट कर दिया था 30 मिनट। मैरिनेट के बाद हम कढ़ाई ले लेंगे बड़ी सी, उसमें तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। जब तक तेल गरम हो रहा है हम जब तक अपनी चिकन की कोटिंग के लिए दूसरे काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में एग लेके उसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब ये मिक्स हो जाए इसे साइड में रख देंगे। फिर हम प्लेट लेंगे, उसमें 3 टेबल स्पून हम मैदा डालेंगे, मैदा जब हम 3 टेबल स्पून डाल लेंगे तो 3 टेबल स्पून हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। फिर हमें अच्छी तरह इन दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर के ऐड कर लेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी चिकन मैरिनेट रखी थी उसकी कोटिंग करेंगे, मैदा कॉर्नफ्लोर और सॉल्ट ब्लैक पेपर का जो मिक्सचर बनाया था उसकी कोटिंग करेंगे। उसके बाद हम कोटिंग के बाद एग की कोटिंग करेंगे, उसके बाद दोबारा हम मैदे और कॉर्नफ्लोर वाली कोटिंग करेंगे। ऐसे सारी चिकन की ऐसी तरह हमें कोटिंग करनी है। कोटिंग के बाद हमारा जो तेल गर्म हो रहा था फिर हम सारी चिकन अपने गरम जो तेल किया था उसमें डाल देंगे हम सारी चिकन। जब तक गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आता हम फ्राई करते रहेंगे। आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी चिकन हमारी बन रही है, टेस्ट में भी बहुत अच्छी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन आ जाए तो हम इसे किसी भी डिश में सर्व कर देंगे। बहुत अच्छी बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई करके बताइएगा मेरी रेसिपी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कैसी लगी मेरी रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।